डाक बंगला रोड बस स्टैंड पर महिला एवं पुरुष प्रसाधन की हुई व्यवस्था। बता दें कि मोकामा नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार के द्वारा डाक बंगला रोड बस स्टैंड के पास महिला एवं पुरुष प्रसाधन की व्यवस्था की गई है, ताकि रेलवे स्टेशन से आने जाने वाले एवं बस यात्रियों के साथ साथ मोकामा नगर परिषद क्षेत्र के अन्य लोगों को भी यह सुविधा मिल सके। साथ ही कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि यह एक जगह से शुभारंभ किया गया है तथा अन्य जगहों को चिन्हित कर और भी बृहद पैमाने पर प्रसाधन की व्यवस्था की जाएगी। जल्द ही 20 जगहों को चिन्हित कर प्रसाधन की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। सर, आज डाकबंगला रोड में जो है महिला और पुरुष प्रसाधन की व्यवस्था की गई है सर, इसके बारे में? बिल्कुल, यहाँ पर जो है चूँकि बहुत सारी जगहों पर यहाँ पर नितांत आवश्यक था कि टॉयलेट्स वगैरह बने, यूरिनल्स, चूँकि यहाँ पर जो है पास में देख रहे हैं बस स्टैंड है, फिर बहुत सारे मॉल्स वगैरह भी है और रेलवे स्टेशन की तरफ से आने वाला रोड भी है, तो एक सैंपल बेसिस पे अभी यहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ 17-18 जगहों का और चयन किया गया है जहाँ पर हम लोग जो है वहाँ पर जैसा मोकामा वासियों का जो अनुरोध किया गया है उसी के आलोक में हम लोग वहाँ पर भी जहाँ जहाँ डिमांडेड है सर वहाँ मतलब। हाँ बिल्कुल। टोटल सर कितने मतलब 20 जगहों पर चयन किया गया है। हाँ, तो इसके अलावा और 19 जगह पर हम लोग लगभग हम लोग उसको देंगे। कब तक सर मतलब काम हो जाएगा? एक आध सप्ताह में लगभग कर लिया जाएगा। एक आध सप्ताह में सभी जगह मतलब सर? एक आध सप्ताह में और दूसरे सारे जगहों पर शुरू कर दिया जाएगा। हाँ, तो जो समय लगे थोड़ा, लेकिन सभी जगहों पर हो जाएगा और ये समस्या का हम सभी के सहयोग से समझ रहे हैं कि इस पर हम लोग काफी हद तक निदान पा लिए।